So there is a word in Sanskrit. This word is called as swatantra. Swatantra. Tantra, you know what does tantra mean? Tantra means methodology, tarika, method. Tantra is mechanism. Sva means you. Svatantra means your mechanism to live a life. Your own mechanism of life. Svatantrata means if you have established your mechanism of life, then that means Svatantrata. ऐसा सोचा आपने कभी? Have you pondered about it in this manner? So that is why I've been saying what your ancestors did in this culture. Because whatever you are following today, we can't disagree on this fact that our ancestors were the same people for everyone. हमारे पूर्वज तो सेम ही थे. आप आज कुछ भी मान रहे हैं, मान्यता है आपकी, मगर आपके पूर्वज तो वही है, सेम. नदी तो एक ही जगह से निकली. सो दिस इज वॉट आई बिन ट्राइंग टू से टाइम एंड अगेन. आई एम ट्राइंग टू से दिस दैट योर एंसेस्टर्स वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. आपके पूर्वज बहुत बुद्धिमान लोग थे. लेकिन आज हम इतने बुद्धिमान नहीं रहे. वी आर नॉट दैट इंटेलिजेंट नाउ बिकॉज सडनली वी गॉट एजुकेटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर. आप पढ़ लिख गए हैं तो आपकी बुद्धिमानी कम हो गई. नाउ दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. This is a research conducted by Harvard University, which says 25 years of education gets your intelligence down by 70%. 25 साल का एजुकेशन 70% इंटेलिजेंस खत्म कर देता है आपने. Why? Because suddenly you become slave to whatever you have studied. अचानक से किताब पे लिखी हुई कोई चीज पर आप आंख बंद करके भरोसा करने लग जाते. सो यू बिकम मोर सुपरस्टिशियस एंड यू बिकम डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू हैव रेड. आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है. सडनली यू स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग पीपुल. If somebody has not come in a particular dress in a particular event, yes or no? तो ये डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन से शुरू होता है. आइडियाज एजुकेशन की वजह से आप बना लेते हैं. इफ यू क्रिएट आइडियाज एंड बिकम स्लेव टू वॉट एवर यू हैव स्टडीड देन यू आर नॉट इंडिपेंडेंट. तो आप स्वतंत्र नहीं हैं. दिस कल्चर योर एंसेस्टर आर कॉमन एंसेस्टर. हमारे जो पूर्वज थे वो इकलौते, देवर द ओनली ब्रीड इन द होल वर्ल्ड हु ट्राइड टू क्रिएट स्वतंत्रता. टुडे वी आर ट्राइंग टू क्रिएट स्लेवरी.
आज हम स्लेवरी मास ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रिएट कर रहे हैं। आपके जीवन का तरीका ये होना चाहिए, उसको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। आपकी लाइफस्टाइल को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, आपके मेडिसिन को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, आपके कल्चर को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, सबको स्लेव बनाया जा रहा है। वरना तो हमारे यहां तो ये भी कहते हैं कि जी हम तो ऐसा करते हैं, हमारे तो परंपरा में ऐसा, एक परिवार दूसरे परिवार से विवाह करता है, कहता है हमारी परंपरा में ऐसा है, तुम्हारी परंपरा में ऐसा है, चलो दोनों करते हैं। वी डोंट फाइट ओवर इट, वी डोंट फाइट ओवर योर बिलीफ माई बिलीफ, वी डोंट फाइट ओवर योर परंपरा माई परंपरा। एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट टू फॉलो देयर परंपरा। घर में पांच लोग हैं, एक शक्ति उपासक है, एक हनुमान जी का भक्त है, एक केवल तुलसी उपासक है, एक निर्गुण है और एक चारवाक है, फिर भी हम परिवार में रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो स्वतंत्रता है। अगर पूरा परिवार एक ही कल्चर को फॉलो करे तो आप सभी स्लेव हो गए। इंडिपेंडेंस का इतना मतलब नहीं है, स्वतंत्रता का बहुत गहरा मतलब है। हमने कभी अपने परंपराओं को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की। वी नेवर इंपोज्ड वॉट एवर वी फॉलो टू एनीबडी, वी नेवर अपोज्ड अदर वेज ऑफ लिविंग, बट वी ऑल स्ट्रगल टूवर्ड्स रिफाइनिंग एंड मेकिंग द कल्चर रिफाइंड इन सच अ मैनर दैट वी डोंट गेट इन टू डिफिकल्टीज। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सामाजिक तरीके से कुटुंब के रूप में रहें। सच वॉज द इंटेलिजेंस ऑफ आर एंसेस्टर। और आपको किसी दिन ये भी पता चला, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ ट्रेसिंग द जीन्स, इन द एरिया ऑफ डेटिंग, जो जिसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल साइंस, द साइंस ऑफ डेटिंग, द साइंस ऑफ जेनेटिक ट्रेसिंग, ये सब चीज बहुत आगे निकल रही है। और ये चीज सच्चाई लेके आ जाएगी एक दिन, और ये सच बताते हैं, और ये सच ये बता रहे हैं कि मानवता की शुरुआत भारत में हुई। ह्यूमैनिटी, व्हाट यू कैन कॉल एज ह्यूमैनिटी, व्हाट यू कैन कॉल एज सिविलाइजेशन, इट स्टार्टेड ऑल फ्रॉम इंडिया। इट हैज बीन ट्रेस्ड टिल 60,000 ईयर्स, 60,000 साल तक ट्रेस किए जाने पे यही पता चला है कि एवरी फॉर्म ऑफ ह्यूमंस इन द वर्ल्ड हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, भारत से सभी गए और अलग अलग जगह जाके अपना कल्चर स्थापित किया। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंस बताऊंगा, देयर इज समथिंग नीड्स टू बी डन, इसको हमें आगे भी देखना पड़ेगा कैसे ले जा सकते हैं। बिकॉज आप कुछ बोलते हैं, कोई दूसरा कुछ और बोलता है, आजकल लड़ाई ज्यादा होती है ना, और खासकर हिंदुस्तानी को तो कोई बुद्धिमान मानता ही नहीं है क्योंकि हमने ही अपने आप को स्लेव मान रखा है हमने ही स्लेव माना हुआ अपने आप को, हम ही अपने आप को। अब देखिए, आपके बच्चे पढ़ते लिखते दूसरी जगह जाके नौकरी बनते हैं और कुछ ज्यादा नहीं बनते। बड़ी बड़ी कंपनियों के नौकर बनने में बड़ा शौक रखते हैं, गूगल के नौकर बन जाएंगे, फेसबुक के नौकर बन जाएंगे, मन रहेंगे नौकरी।
ये हमारी मानसिकता है, 200 साल से इसको हमने पाल पोस के रखा हुआ है, और ये जब तक हटेगा नहीं, स्वतंत्रता क्या सोच रहे हैं आप, केवल बोलने की है। ये जो मानसिक परतंत्रता है ना, ये जब तक हटेगी नहीं तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता कोई। कृष्ण की द्वारका जब समुद्र के अंदर समाती है और यदुवंशी आपस में लड़ते हैं, सो देर आर सम पीपल हु डाय, देर आर सम पीपल हु रन अवे। लड़ाई होती है तो कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, और खराब स्थिति में कोई भी नहीं रहना चाहता। Nobody wants to live in a very difficult situation. So people started running from Dwarka. But Dwarka was also going down in the sea. Dwarka समुद्र में भी समा रही थी। तो कुछ लोग वहां से भाग के राजस्थान की तरफ में आ जाते हैं, कुछ गुजरात का एरिया है वो, कुछ लोग वहां से भाग के भारत के भूभाग में आते हैं, कुछ लोग समुद्र के रास्ते दूसरी जगह जाते हैं। तो जो समुद्र के रास्ते निकलते हैं, क्योंकि वो जमीन ढूंढ रहे थे, तो कुछ जो है मिडिल ईस्ट में रुकते हैं और कुछ उसी रास्ते पहुंचते पहुंचते आज जिसे इज़राइल कहा जाता है वहां पहुंच जाते हैं। Because civilization was not there in most of the part of the world. In very, very few places, there was some organized way of living by humans. India was a place where it was highly organized. So, wo Israel, Middle East, Israel, yahan pe kuch pahunch jate hain. यदुवंशी जब वहां पे अपने आप को स्थापित करते हैं तो वो मेमोरी लेके जाते हैं जो कि भारतीय सभ्यता की याददाश्त थी, वो उनके साथ में जाती है और उसको वो लिखने की कोशिश करते हैं। और पहले तो वो अपने आप को संभालते हैं, कुछ कई साल लग जाते हैं उनको वहां बसने में। उसके बाद जो याददाश्त है, नेक्स्ट जनरेशन जब थोड़ा स्थापित होते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन जो परंपराएं थी उसको वापस लिखने की कोशिश करती है। आपको मालूम है आज वो लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? वो यदुवंशी आज अपने आप को यहूदी बोलते हैं। और इसी से दो और रिलीजन का उदय होता है, एक क्रिश्चियनिटी और एक इस्लाम। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता, मगर क्या कहें, हमारे पूर्वज तो एक ही, दिस इज अ फैक्ट। हमारे पूर्वज, बल्कि पूरी दुनिया के पूर्वज एक ही हैं, और उन पूर्वजों ने आपको बताया कि यू मस्ट अंडरस्टैंड योर स्वतंत्र, आपका मैकेनिज्म, जीने का तरीका आपको पता चलना चाहिए, अपना ढूंढिए उसको। सो दैट इज व्हाई वी आर सीकर्स, वी आर नॉट बिलीवर्स। ये कुछ थोड़ी बहुत टूटी फूटी स्थिति में आज भी भारत में है कि वी आर सीकर्स, वी आर नॉट बिलीवर्स। हम ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? हम स्वतंत्र ढूंढते हैं, अपना तरीका ढूंढते हैं, द बेस्ट वे टू लीड अ लाइफ एंड टू फुलफिल द फोर फंडामेंटल ड्यूटीज, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। क्योंकि इसमें अगर आप चूक गए तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप सक्सेसफुल नहीं कहलाए जा सकते। यू अर्न व्हाटएवर मनी
you will not only destroy yourself, you will destroy the next generation. This is what is happening to the West. पाश्चात्य सभ्यता से के साथ में यही हो रहा है कि किसी तरीके से उन्हें उन्होंने वैभवशाली होने का अरेंजमेंट तो कर लिया मगर वो सक्सेसफुल नहीं कहलाए जा सकते। उन्होंने पूरी पृथ्वी को बीमार कर दिया। स्वतंत्र स्वधर्म को स्थापित करने का तरीका है और स्वधर्म को स्थापित करना ही स्वतंत्र का लक्ष्य है। स्वधर्म इज द गोल ऑफ स्वतंत्र एंड स्वतंत्र इज अ मेथडोलॉजी टू अचीव स्वधर्म। धर्म किसे कहते हैं? धर्म रिलीजन नहीं होता। धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म इज अ वे टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ, एक तरीका अपने आप को स्थापित करने का। जैसे क्या आप हेल्दी हैं? आर यू हेल्दी? इफ यू आर नॉट हेल्दी, दैट मीन्स यू हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ योर हेल्थ। सो स्वधर्म का स्वधर्म तक पहुंचे नहीं आप। स्वधर्म तक पहुंचे नहीं आप। सो स्वतंत्र सी वन माइंडसेट अडैप्टेशन। देखो माइंडसेट मैं बता रहा हूं तब समझ में आएगा, बिकॉज अडैप्टेशन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, दिस इज स्वतंत्र आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट आर यू थिंकिंग? This is what I am talking about. Adaptation according to circumstances is swatantra. It's an ongoing journey. It is not standardized. That is what I am speaking. It cannot be standardized. We are going towards standardizing everything, which is against swatantra. There has to be a freedom of adaptation. This is swatantra, and you must learn it. And tantra means methodology to adapt. But what are you adapting to? Only environmental circumstances? No, adaptation happens on many, many levels. If you have not adapted yourself, that is why you are diseased. True or false? Because you have not adapted, you are facing difficulty. So when you say everybody has to adapt, are you doing it? Or are you saying it because you have read somewhere? Darshan ki duniya hai hamari, philosophy ki nahi hai. We are not philosophers. We are darshanik. People who only talk something which they see. Anna, we are not idea mongers. We are not unscientific. We are the only culture which is not unscientific. So we need to, we were talking in the perspective of health. आप लोग क्वेश्चन भी डालते जाइए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, है ना, क्योंकि आई हैव नॉट कम विथ अ प्रिपरेशन कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। दे सेड कि ओके आ जाओ, आ गया मैं, है ना। सो आई एम जस्ट पोरिंग आउट, मैं तो केवल जो आ रहा है वो आपको बोल रहा हूं। इफ यू वॉन्ट समथिंग टू बी आंसर्ड, यू कैन पुट योर क्वेश्चन डाउन, चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। सो आर सी, इफ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, यू आर साइंटिफिक।
So I'll give a different definition of science. Science says you put a hypothesis and try to prove it. This is a wrong approach of science. This is a completely wrong approach of science. That is why science has become superstition, bigger superstition than superstition. Bigger superstition than superstition. So I was just going through, because I've been given some questions to answer, and I was looking at a disease called Parkinson's. अच्छा आप मुझे बताइए पार्किंसन का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं. इन व्हाट यू कॉल एस मॉडर्न मेडिकल साइंस, एक्चुअली आई डोंट एडहर टू दिस टर्मिनोलॉजी, दिस इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी. मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि साइंस cannot happen with ideas. Science can only happen if you are devoid of ideas. So this is the first criteria for science in India. We call science as jnana. The first criteria of science, of jnana, is you should detach your identification from a limited self. जब विद्यारंभम संस्कार होता है, when you start ज्ञाना, पहली चीज, the first thing that you do is you detach yourself from personal identity. That is why a mantra is given to you. एक छोटे बच्चे को जो विद्यारंभम करता है, विद्या शुरू करता है, उसको एक मंत्र दिया जाता है, and that mantra is अहम ब्रह्मास्मि. You are not an individual, you are the whole universe. Because if I conduct a jnana, if I learn a jnana with my identification, I will only serve my identification. But if I learn with a larger association, then I'll do everything which is good for everybody. I will not adopt anything which is just for me. Now, when Western people, when the whole West invaded India, पहली बात तो आपको समझना चाहिए ना, लोग भारत क्यों आ रहे थे सारे के सारे. कोलंबस भारत आ रहा था, अमेरिका पहुंच गया, सब भारत क्यों आ रहे थे? हम तो बड़े गरीब थे, हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं था, ऐसा था क्या? या लूटने आ रहे थे, सब लूटने आ रहे थे. सब लूटने आ रहे थे ना. That means there was something they wanted. So what they wanted? They wanted knowledge. They wanted money. They wanted products. They wanted masalas. They wanted recipes. They wanted everything. They wanted clothes. They wanted medicine. They wanted medicine. You know, if you can't make people swatantra, if they people do not understand how to be healthy, then you have to give support to them. And the support could be, can be surgery, support can be medicine, support can be the right kind of food. Support can be a lifestyle, support can be a culture, or so many things. Why, you are asking, why our ancestors searched for Oshadhi? Why this question? Because that is needed for people who can't become swatantra. Don't you want to help those people whom you can't make swatantra?
So my father was heavy diabetic in 1930s. We created diabetes till 1900s. Starting 1900, we had created diabetes. And this was being diagnosed by somebody. So I'm saying, even if you have high sugar level, it doesn't mean your life should become very, very difficult, because your body is able to handle that. Again, an idea. And if this idea bursts 5 to 10 years down the line, then what? What will you say? Sugar level doesn't mean diabetes. Agar ye idea that sugar level is diabetes, it bursts in next 5 years, and it is bursting now. What will you say? If you do not take medicine, you will not get into difficulties. And if this is found true, and it is found true, I can give you many examples. So that is why I am saying, idea doesn't mean a science. It means you are not Swatantra. You are allowed to create ideas only when you are Swatantra. That means you are free of any influence. If you are not free of influence, then you will always create things according to the influence, which may skew the balance of life. So बहुत सारी चीजें, अगर मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि वी हैव टू एक्चुअली डू अ लॉट नाउ. हमने शायद परतंत्र बना लिया, पूरी दुनिया ने परतंत्र बना लिया. सो आई वॉज just looking into Parkinson's. There is no treatment for Parkinson's. Although, if you go to an allopathic doctor, whatever standardization has been taught to him, तो वो आपको एक levodopa treatment देगा. Levodopa. L-dopa. Why? Because the dopamine in the brain, the dopamine level has gone down. So observation hai. What is logical inference? Ki isko dopa dena hai, dopamine dena hai. Now you put dopamine, it doesn't cross the blood-brain barrier. Then you search for something which crosses the blood-brain barrier. तो आप उसको dopamine की जगह L-dopa दे देते हो. Now suddenly that is considered as the standard treatment for Parkinson. तो उसको standardize कर देती है. American Association बोल देता है कि ये करो, सारे दुनिया उसको follow करने लग जाती है. They are all like एक slave culture है. So an American association says something and everybody starts following it. Because if they don't follow, they'll face law. Now, after few years of again working upon it, they find ki Parkinson to theek hi nahi ho raha. Maybe immediate relief in symptom ho raha hai, magar thode din ke baad resistance ho jata hai body. And in fact, the person's situation becomes worse. Parkinson to badi na hai apna. Now for those years, this was taken as a treatment. Bhai, humare paas mein treatment hai, ye treatment. Now suddenly, there is more research. And they say,
that there is an unfolded protein found in a part of brain, because of which Parkinson happens. यानी waste protein brain में पहुंच गया. And mind you, मैं 100 साल की जर्नी आपको बता रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि how it is played. This is what was known in 1907. Dopamine डालो. In 2000 or some year, I don't remember, एक जर्मन बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और पता लगा कि ये अनफोल्डेड प्रोटीन. नाउ दिस अनफोल्डेड प्रोटीन इज फाउंड इन द सिस्टम विच इज एसोसिएटेड विथ मेटाबोलिज्म, विथ गट मेटाबोलिज्म. पेट में अगर आपका पाचन ठीक नहीं है, पेट की बैक्टीरिया ठीक नहीं है, तो ये प्रोटीन बनता है और ये ट्रेवल करता है ब्रेन में. यानी नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से वो गट से आपके सिर तक ट्रेवल करता है. ठीक है. सो दे डिड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन इट एंड फाउंड दैट, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है. नाउ व्हाट टू डू विद इट, इससे करें क्या? बात तो आपने पता लगा लिया, ट्रीटमेंट तो है नहीं. Now, till now, even if you have found this, there is no treatment. Now, this is a 100 years journey. And all through the years, they never accepted Ayurveda. उन्होंने कहा ये तो fake science है, ये तो बकवास है. And do you know for thousands of years what is Ayurveda saying? Udavarta. Why Parkinson happens? Udavarta dosha. Yeah, that means from your gut there is a dosh which is traveling to your head. Right? For thousands of years, not for hundreds of years, for thousands of years Ayurveda is saying this. तो इसका मतलब क्या कि जिसको आप फेक बोलते रहे आज तक ऑन द नेम ऑफ साइंस, वो असली साइंस है. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वो साइंस चुरा के ले गए हमसे और हम उसको आज भी इस बात को समझ नहीं पा रहे. सो लिटिल एक्सेप्टेंस, लिटिल स्वतंत्रता will help people from different walks of life to come together. जैसे मैंने बताया भारतीय मूल सिद्धांत के हिसाब से आप किसी के आइडिया पे लड़ते नहीं है उससे, मगर वेस्टर्न कल्चर पे आप हमेशा लड़ना ही चाहते हैं, लड़ना ही जीवन है. तो अगर ये साइंस अगर इकट्ठे हो जाए, इफ दे बिकम स्वतंत्र, देन विल बी एबल टू हेल्प ह्यूमैनिटी. और एक बहुत कॉमन सी चीज पाई जाती है इन पीपल विथ सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन, दैट दे हैव कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन. Do you know your metabolism, आपका पाचन आप नहीं कराते, आपके शरीर में bacterias कराते. If you disturb the gut microbiota or microbiome, gut में जो bacterias हैं, अगर वो आप मार देंगे, then you will create those kind of nerve disorder or psychological disorder. और आप एक केमिकल गट माइक्रोबायोम खराब करेंगे. सो द होल साइंस ऑफ केमिकल मेडिकेशन हैज क्रिएटेड पार्किंसन.
और अदर डिजीज। अब ये किसी द्वेष भाव से नहीं बोल रहा, सच्चाई को बोलना चाहिए वैसा। आप क्यों नहीं बोल रहे? व्हाई कांट यू स्पीक द ट्रूथ? द सेकेंड थिंग इज अनलेस एंड अंटिल वी बिकम स्वतंत्र, विल नॉट अचीव हेल्थ and will not be able to tackle disease. Triglyceride level ko kam kaise karein? Kam kyon karna chahte hain? This is what I am talking about. The Western सोशल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉन्क्वेस्ट, लड़ना है, हर चीज से लड़ना है। आप अपने बॉडी से क्यों लड़ना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू फाइट योर बॉडी? क्या ये आपका दुश्मन है? ट्राइग्लिसराइड इसने बढ़ाया तो क्योंकि उससे वो कॉर्टिसोल बना के आपको बचाना चाहता है, आप ट्राइग्लिसराइड को कम करना चाहते हैं। क्यों कम करना चाहते हैं? Why don't you reduce the risk factor? जिसकी वजह से triglyceride आपका शरीर बढ़ा रहा है उसको कम कीजिए ना। Triglyceride क्यों कम कर रहे हो? वो तो बचा रहा है आपका शरीर आपको। Cholesterol क्यों कम कर रहे हो? Because this is an idea that cholesterol will create more problem. No, it is only an idea which is now has been busted. आप शायद पुराने नॉलेज को ही पढ़ रहे हैं। इट इज नाउ अ फैक्ट दैट कोलेस्ट्रॉल इज योर फ्रेंड। कोलेस्ट्रॉल आपका दोस्त है, ये नया रिसर्च बता रहा है। भारत में तो घी सबसे बड़ा रसायन माना जाता है। मालूम है आपको? भारत में रसायन सबसे बड़ा क्या है? घी, गाय का घी, बिलोना घी, बुद्धिवर्धक माना जाता है उसको, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है उसको। और योगिक परंपरा में इफ यू लर्न अबाउट नाथ परंपरा, यूपी के अभी चीफ मिनिस्टर है ना योगी आदित्यनाथ, ही कम्स फ्रॉम नाथ परंपरा, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, स्टार्टेड बाय गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ उनके गुरु थे। उस परंपरा में ने एक चीज शुरू की थी फॉर देयर सन्यासीज, दे मस्ट टेक अ लिटिल घी एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। तो इफ यू टेक घी यू विल सी योर कोलेस्ट्रॉल लेवल विल कम डाउन बिकॉज इट क्रिएट्स अ कंड्यूसिव सिचुएशन इन योर बॉडी। घी अगर आप नाक से लेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा पार्किंसन के केस में। नस्य इज द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी इन केसेस, इन केस ऑफ पार्किंसन। High density cholesterol is friendly, low density cholesterol is friendly, every cholesterol is friendly. Now LDL is not friendly because you are reading those things. तभी तो मैं कह रहा हूं आप स्वतंत्र नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं वही यहां पे आके बहस कर रहे हैं। तो आप पढ़ गलत रहे हैं तो हम क्या करें, क्योंकि ये चीज अब बस्ट हो चुकी। मगर इतने सालों तक तो आपने अपने दिमाग में गलत आइडिया बना के रखा। तो व्हाई द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स? बॉडी डजंट प्रोड्यूस ट्यूमर, यू कंपेल द बॉडी टू प्रोड्यूस ट्यूमर। अब इस नजरिए से मुझे बताइए व्हाई यू आर कंपेलिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस ट्यूमर?
थोड़ा स्वतंत्र होके सोचे, बॉडी नेवर प्रोड्यूसेस ट्यूमर. यू कैन कंपेल द बॉडी टू प्रोड्यूस ट्यूमर. सो व्हाई डू यू वांट टू कंपेल द बॉडी टू प्रोड्यूस ट्यूमर? क्यों आप बॉडी को पुश करते हैं, इस स्थिति में डाल देते हैं कि वो ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है? सो ट्यूमर और नॉट्स आर अ वेरी वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ योर बॉडी फॉर्मेशन. नाउ इफ योर बॉडी इट प्रोड्यूसेस सेल्स एवरीवेयर, हर जगह रीजनरेशन होता है ना आपका, एवरीवेयर रीजनरेशन हैपन्स. नाउ एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ सेल्स और टिश्यूज आर प्रोड्यूस्ड, राइट और रॉन्ग? आप खरोंच लगा लो और आपके स्किन जैसा वहां पर टिश्यू आ जाएगा. इंटरनल इंजरी होती है, लिवर, हार्ट, दे ऑल प्रोड्यूस टिश्यूज. रीजनरेशन हर एक चीज का होता, एग्जैक्टली द सेम टिश्यू. ऐसे मान के चलिए कि आपका शरीर एक कुम्हार है, कुम्हार है ना, पॉटर हु मेक्स पॉट्स, पॉटरी जानते हैं ना. तो आपका शरीर कुम्हार है, वो एक ही तरीके का पॉट बनाता है या अलग अलग जगह पे वो एक ही तरीके का पॉट बनाता है. स्किन टिश्यूज. नाउ सडनली ही स्टार्ट मेकिंग वेरी वेरी डिस्टॉर्टेड पॉट. थोड़ा वो चाय की आपकी जो प्याली है, जो कप है ना, वो अजीब सा होने लग गया, यानी वो अजीब से पॉट बनाने लग गया. इसका मतलब क्या हुआ? वो स्थिर नहीं है, है ना, मेंटली या गड़बड़ हो गया, उसको याद नहीं है क्या बनाना है. द इंफॉर्मेशन सडनली ही हैज स्टार्टेड लूजिंग इंफॉर्मेशन, है ना. दूसरा चीज क्या हो सकता है? हिज बॉडी इज अनस्टेबल, पार्किंसन हो गया उसको. नहीं बना पा रहा. थर्ड थिंग क्या हो सकता है? ही लॉस्ट द फोर्स कंट्रोल. जो फोर्स वो लगाया करता था, वो फोर्स जोर नहीं लगा पा रहा आप ठीक से. सो थ्री थिंग्स, तीन चीजें गड़बड़ हो सकती है. ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि. क्या चीज गड़बड़ हो सकती है? ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि. कि आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है वो गड़बड़ हो रहा है. ज्ञानाग्नि गड़बड़ हो गया, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो रहा है. दर्शनाग्नि, यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू होल्ड योरसेल्फ प्रॉपरली, यू आर नॉट इन कंट्रोल. दर्शनाग्नि. देन कम्स कोष्ठाग्नि. द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट प्रोड्यूसिंग द राइट शेप. ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि. अब मुझे एक बात बताइए, इफ वी टेक यू टू अ सिचुएशन, टू एन एनवायरमेंट विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, अगर मैं आपको पहाड़ के ऊपर ले जाऊं जहां बहुत ठंड है, पेड़ पौधे नहीं है, हवा की कमी है, तो क्या आप अपने आप को ठीक से संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे. देन योर बॉडी विल फेस डिफिकल्टीज, इजंट इट? इन द लास्ट 200 इयर्स, टेल मी, इज इट द सेम एनवायरमेंट दैट यू आर लिविंग 200 इयर्स बैक, वॉट एवर द एनवायरमेंट यूज टू बी? क्या ये सेम वातावरण है? नहीं है ना. किसने बदला इसको? किसने बदला इसको? हमने बदला, ह्यूमंस, वी हैव चेंज इट. तो आपने डिफिकल्टी क्रिएट की या किसी और ने? आपका बॉडी डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है. सो यू हैव चेंज द एनवायरमेंट, सो योर बॉडी इज नॉट स्टेबल नाउ.
The second thing, you are feeding yourself everything which is not for you. आप वो चीज अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं जिसके लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं है. So are you creating risk? Risk for the body, genetically modified food, all the pills that you take. You were not designed for it. So if you push lot of pills in your body, do you think your body will not face difficulty? It will face difficulty. And the first difficulty that it will face is liver weakness, liver damage, liver inflammation. क्योंकि लिवर से ही लिवर गेट कीपर है आपके, वहीं से जाता है सब कुछ, वो चेक करता है सब कुछ. और आप बॉम्बार्ड किए जा रहे हो उसको अनवांटेड चीजों के साथ में, इन्फ्लेमेशन होगा. आप हाथ में खरोच लगा लो, जलन होगा. आप घी लगा लो, ठीक हो जाता है ना, जलन कम हो जाती है. तो लिवर भी तो घी बना रहा है अपना, फैट क्रिएट कर रहा है. फैटी लिवर इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, वो बचा रहा है, आप नुकसान कर रहे हो. मेटाबॉलिक नुकसान आप अगर आप कर देते हैं तो एक चीज दूसरे चीज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी ठीक से. इफ देयर इज मेटाबॉलिक वीकनेस, मेटाबॉलिज्म मींस व्हाट, समथिंग गेटिंग कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स. आप जो खा रहे हैं उसको ब्लड बनना चाहिए ना कि नहीं बनना चाहिए? फिर ब्लड से टिश्यूज बनने चाहिए, फिर टिश्यूज से ऑर्गन्स बनने चाहिए, ऑर्गन उसका सपोर्टिंग सिस्टम स्केलेटन बनना चाहिए, बोन मैरो बनना चाहिए एंड रिप्रोडक्टिव सेल बनना चाहिए. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यही तो बताया आयुर्वेद ने. सप्त धातु, सेवन एंड देर आर सिक्स स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. एवरी मेटाबॉलिज्म टेक्स अ पर्टिकुलर एफर्ट. वो एफर्ट ही कम हो जाए आपका तो क्या करेंगे? प्रॉपर कन्वर्जन नहीं होगा ना. अगर आप जो खा रहे हैं इट डजंट कन्वर्ट टू ब्लड प्रॉपरली, यू विल हैव एनीमिया, यू विल हैव वीकनेस, यू विल हैव लो ऑक्सीजन लेवल्स. ये सब चीज होगा कि नहीं होगा? एंड इफ योर रस डजंट कन्वर्ट टू रक्त प्रॉपरली, you will see lot of unused waste glucose in your blood. This is diabetes. So tell me, if there is lot of waste glucose in your blood, what will the body do? Agar aapke ghar mein kachra zyada aa jata hai to aap kya karenge? Aap pani lenge aur usko jhadu maar ke bahar nikal denge ghar se. Yes or no? तो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो पहली चीज क्या होती है? आपको प्यास लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आपका शरीर उस वेस्ट ग्लूकोज को निकालता है. इज इट अ नेचुरल फेनोमेना और नॉट? दैट मींस योर बॉडी इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द वेस्ट प्रोड्यूस, बट यू टेक इन अ मेटफॉर्मिन. आप कहते हैं डायबिटीज का मेडिसिन, यू टेक इन मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लैकलाजाइड, रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन. नामकरण संस्कार में ये फिरंगी बड़े बड़े अच्छे हैं. सॉल्यूशन इनके पास एक चीज का भी नहीं है और वो आप वेस्ट ग्लूकोज को अपने ऑर्गन में धकेल देते हैं. यू डोंट लेट द बॉडी टू क्लेंज योरसेल्फ, क्लेंज इटसेल्फ. आप उस ग्लूकोज को नसों में धकेल देते हो, ऑर्गन्स में धकेल देते हो और फिर आप कहते हो मेरा तो न्यूरोपैथी हो रहा है, रेटिनोपैथी हो रहा है, ऑर्गन डैमेज हो रहा है. तो आप क्यों कर रहे हो ऑर्गन डैमेज? यू कांट से बोथ द थिंग्स टुगेदर. आप ऑर्गन डैमेज करने के बाद में ये तो नहीं कह सकते कि अरे मेरा ऑर्गन डैमेज क्यों हो गया. किसी को आप थप्पड़ मार के ये तो नहीं कह सकते ना कि तुमको चोट क्यों लगी. And then you also call it a science. And then also you call this as thappad maarne se chot nahi lagte. Isn't it utter foolishness?
आप शरीर को क्रिमिनल क्यों बना रहे हैं? वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वो फैटी लिवर करता है, आप बोल रहे हो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। अरे बाबा, शरीर गलत नहीं, आप गलत कर सकते हो। दिस बॉडी विल नेवर डू रॉन्ग फॉर इटसेल्फ। सो इफ यू एक्चुअली क्रिएट 6 लेवल्स ऑफ मेटाबॉलिक फेलियर्स और वीकनेसेस, डू यू थिंक योर बॉडी विल बी एबल टू प्रोड्यूस राइट काइंड ऑफ टिश्यूज? And if it is not producing right kind of tissues, it will not be helpful in the function of the body. It will accumulate at one place, get together at one place. That is called as tumor. Or फिर वो भी भाई, उनको भी भोजन चाहिए ना, they need food. Even though those tissues are not a part of your body, not a regular fit. बट खाना तो चाहिए ना, तो दे विल ग्रो। वो आपका खाना खाएंगे, किसका खाना खाएंगे? ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि, तीन चीज खराब कर दिया आपने, तो योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द राइट काइंड ऑफ टिश्यूज। इफ योर एनवायरमेंट इज नॉट राइट, योर मेटाबॉलिज्म गेट्स इंपैक्टेड। इफ यू पुट unwanted things in your body, your metabolism gets impacted. If you pervert your psychology, swatantra agar nahi rehte, if you create lot of ideas, try to run your life with ideas, your metabolism will get impacted. Aur aapko yaad hai hamare culture mein kehte hain har sari bimari ki jad pet se shuru hoti hai, kehte hain, suna aapne kabhi? हर एक बीमारी पेट से शुरुआत होती है। पेट का मतलब पेट नहीं होता, पेट का मतलब मेटाबॉलिज्म होता। हजार साल से बोल रहे हैं हम, घूम फिर के जब ये साइंस उसी पे आएगा तब क्या करोगे? क्योंकि तब तक तो वो आपको बर्बाद कर चुका होगा। तब तक तो आप बर्बाद हो चुके होंगे। Maybe if this science gets to the right thing after 100 years, you don't have that many years. Yes, science, I will not call, everything is science. I am saying Western science, agar 100 saal baad sachai pe aata hai, to 100 saal to aapke paas to nahi hai. That is why swatantrata is needed. केवल बोलने से स्वतंत्रता नहीं होती है। बट एक चीज इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, एंड आई एम सेइंग दिस, एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू मस्ट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। देर इज नोबडी। तो आपका शरीर ठीक कैसे करेगा? जब इसके पास, इसको डिस्टॉर्ट जो कर रहे हैं हम, अलग अलग डिस्टॉर्टिंग फोर्सेस से रेजिलिएंट बना दें, इसकी सहन शक्ति ज्यादा कर दें, ठीक है, इसको रेजिलिएंट बना दें कि आपको कोई धक्का दे फिर भी आप बचा लो अपने आप को, इसका स्टैमिना बढ़ा दो, इसका बल बढ़ा दीजिए, इसकी इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए, ताकि आपको कोई धक्का भी दे तो आप संभाल लो अपने आप को। यू कांट अवॉइड दिस डिस्टॉर्टिंग पुश। एनवायरमेंट तो बदला हुआ है, आप सांस कहां, कोई स्पेस में जाके तो ले नहीं सकते। पानी जमीन में आपने कहा नीचे, हमने कितना नीचे डाल दिया, वॉटर टेबल नियर बाय, यू डोंट हैव वॉटर, you have lost the proximity of water. Pani jahan kam hoga aapka heart issues aayenge, dawai khaoge dehydration hoga, heart issues aayenge. Heart issues has, heart disease has become the number one cause of death in the world. That is why we are not even correlating. Agar jal tatva theek nahi hai to aap zinda nahi reh sakte, aapka heart give up kar dega, dakshinagni aapki kamzor ho jayegi.
Jalatattva, Dakshinagni and genetics are correlated. Nagavayu. Nag is a symbol or a carrier of Jalatattva. आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एलोपैथी का साइन क्या है? एलोपैथी थेरेपीज का साइन क्या है, ट्रीटमेंट का? अ स्नेक, स्नेक इंटरट्वाइंड है ना। अब मुझे बताइए, क्रिश्चियनिटी में तो स्नेक जो है वो डीमन है, वो तो उसको गलत मानते हैं। फिर हिप्पोक्रेटस ने स्नेक कहां से उठा लिया? क्योंकि वो सुश्रुत के थर्ड जनरेशन से सीख के गया था सर्जरी। पर हमारे बच्चे कॉलेज में जाके हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं, सुश्रुत ओथ नहीं लेते। आप स्वतंत्रता कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं अपने आप को। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ते हैं, भास्करा थ्योरम नहीं पढ़ते। पाइथागोरस इंडिया में आके सीख के गया। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन मानते हैं आप? हमारे यहां तो वैक्सीन की माता है शीतला माता। इंडिया डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, आप तो वो जानते ही नहीं। एंड दैट टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर एडवर्ड जेनर। और आप स्वतंत्रता की बात करते हैं तो फिर सोचना पड़ेगा हमें। साइंस कैनॉट हैपन विदाउट स्वतंत्रता। तो क्या करें, रेजिलियंस बढ़ाना पड़ेगा अपने अपने बॉडी का। आपने अपनी बॉडी का रेजिलियंस बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ाते हैं? जब आपको कोई धक्का दे तो आप संभालते कैसे हैं अपने आप को? कैसे संभालते हैं? सांस रोकते हैं संभालने के लिए? आप जब जोर लगाते हैं तो क्या करते हैं? सांस रोकते हैं आप। लेकिन अगर आप बहुत तेज सांस लें तब भी कुछ होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं आप शरीर के अंदर। रैपिड ब्रीदिंग करोगे ना तब भी आप किसी एक का सहारा लोगे, वो कुंभक है जिसके सहारे से आप एक्शन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, दैट इज कुंभक। आप चलते कैसे हैं? यू टेक द सपोर्ट ऑफ ग्राउंड, इजंट इट। जमीन नहीं होगी तो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, आप कुंभक कर रहे हैं। विदाउट टेकिंग सपोर्ट यू कांट मेक एनी एक्शन हैपन। डायनामिज्म कैनॉट हैपन विदाउट सपोर्ट, विदाउट डुअलिटी। तो आपका हार्ट बीट कर रहा है वो भी तो किसी का सपोर्ट लेके बीट कर रहा है कि वो स्पेस में है? स्पेस में तो है नहीं। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएं तो चल भी नहीं पाएंगे आप, लेकिन हाथ पांव हिला सकते हैं क्योंकि आप अपने शरीर का सपोर्ट ले लेंगे हाथ पांव हिलाने में, सेंटर ऑफ मास का सपोर्ट लेंगे। लेकिन हार्ट भी किसी का सपोर्ट ले रहा है, लिवर भी किसी का सपोर्ट ले रहा है, किडनी भी किसी की सपोर्ट ले रही है, आपका पूरा स्ट्रक्चर भी किसी का सपोर्ट ले रहा है। तो ये तीन सपोर्ट फंडामेंटली, तीन आधार भी कहे गए, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आह्वानी अग्नि, या तीन मर्म कहा जाता है इसको, हेड, हार्ट एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, या आपके शरीर में ऐसे तीन बेसिक पॉइंट्स हैं जहां जिसका सहारा आपका शरीर लेता है, जिसको देह बल, अग्नि बल और मनोबल कहा जाता है। बट इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिक्स पार्ट्स। तो ये सब पार्ट डिवाइड करना, ये करना, वो करना, ये सब तो फिर एक्सप्लोरेशन है। बट आप एक बात पकड़ लीजिए कि आप अगर जोर भी लगाना चाहते हैं तो किसी के सहारे से जोर लगाते हैं। अगर जोर नहीं लगा पा रहे तो सहारा कमजोर हो गया आपका, इसी को मैं कह रहा हूं कुंभक कमजोर हो गया। तो कुंभक का तो ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई और, ये तो करना ही पड़ेगा, सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ योर कुंभक, डिफरेंट कुंभक फॉर डिफरेंट ऑर्गन फंक्शन एंड बॉडीली फंक्शन, इवन मेंटल फंक्शन एंड इमोशनल फंक्शन। लेकिन साथ साथ में अगर हम किसी नेचुरल सपोर्ट की तरफ में चले जाएं तो चीजें
आसान हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पांव कमजोर कमजोर हैं वो चलने से ठीक होंगे, मगर चलना तो दुखदायी होगा ना। यहां तक कि स्थिर रह के कुंभक करना भी लोगों को शुरुआत में थोड़ा तकलीफ में डाल सकता है। तो दर्द अगर आपके शरीर में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कमजोर है, कुंभक करते ही मेटाबॉलिज्म हाई होता है, मगर गर्मी भी बढ़ जाती है ना शरीर की, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हीट ही तो है, मेटाबॉलिक हीट ही तो है जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो अगर आपके आपको डायबिटीज है और आपका शुगर लेवल 400 है, अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो आपका ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, दैट इज गारंटीड। मगर आप 400 को 120 में फिक्स करने की कोशिश करें, ये बेवकूफी है, ये ठीक नहीं है। आपके शरीर की जो शक्ति है, जो स्थिति है, उसके हिसाब से वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम टिल यू वांट टू कीप इट इन द बॉडी। अगर आप वेस्ट को सोफा के नीचे, बेड के नीचे डालें तब प्रॉब्लम है, अगर घर में वेस्ट बन रहा है बाहर निकालते जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो आपका रेटिना डैमेज नहीं होगा, आपका किडनी डैमेज नहीं होगा, आपका हार्ट डैमेज नहीं होगा, आप रिस्क में नहीं आएंगे, आप सुबह उठेंगे और थोड़ा चलेंगे और गिर जाएंगे हार्ट अटैक से, ऐसा नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू द यंगस्टर्स, यस और नो? अभी पीछे आपने न्यूज सुना कि नहीं? एक्सरसाइज करने वाला 40 साल 35 साल ऐसे यंगस्टर्स हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उनका हार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा उनकी एक्टिविटी को। तो हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप एक्टिविटी कुछ ज्यादा करेंगे भी तो भी नुकसान नहीं हो। तो हम आपको क्रैश से बचा सकते हैं, मगर आपके आइडियाज से कौन बचाएगा आपको? हम आपको हेल्दी बना सकते हैं, मगर आपके आइडियाज को अचीव करने का जो जुनून है, इसका क्या करें? आपके ब्लड प्रेशर को 120 बटा 80 में लाना आपका जुनून है, तो हम क्या करें इसके अंदर? क्योंकि ऐसी कोई चीज होती नहीं है। यूरोप ने तो 140 बटा 90 कर दिया, मगर ये तो वेरिएबल होता, हर एक इंसान के हिसाब से वेरिएबल होता है। 100 प्लस योर एज प्लस माइनस 10 इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर यू। 50 साल के हैं तो 160 आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, मगर उसमें भी दवाई खा रहे हैं, 120 पे लाना है आपको, आप नुकसान कर देंगे शरीर का। कृपया ऐसा ना करें। महात्मा गांधी का 220 बटा 110 था पूरी लाइफ, कभी दो तो कोई दवाई नहीं खाई, पर हार्ट अटैक भी नहीं हुआ उस बंदे को। तो ये आपके आइडियाज से कौन बचाएगा? हम तो आपके शरीर को हेल्दी बना देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर आप लैब टेस्ट में कुछ करके अपने आप को बीमार साबित करने की होड़ में हैं, तो फिर हम कैसे बचाएं आप? So, कुंभक तो करना ही पड़ेगा, बट यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग एल्स ऑल्सो। यू स्टार्ट जेंटली। मैराथन दौड़ने के लिए ना 24 किलोमीटर पहले दिन नहीं दौड़ना होता, यू स्टार्ट विथ 10 स्टेप्स, 10 कदम से ही शुरुआत कीजिए। अभी कमजोर बना दिया शरीर को तो उसको झटके नहीं देने हैं, वो नहीं झेल पाएगा। Start gently, but if you start gently, I can guarantee you will reach your destination, whatever the time. किसी को 3 महीने लगेंगे, किसी को 3 साल लगेंगे, मगर 3 साल के बाद अगर सारी प्रॉब्लम चली जाती है आपकी, तो इज इट अ गुड डील और अ बैड डील? और दूसरी बात एक और बता दो, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, सो यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ औषधीस, यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग विच इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल इन आयुर्वेद, पंचकर्म एंड षटकर्म। बट लेट मी टेल यू, दे विल नॉट एस्टैब्लिश द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, दे विल डिटॉक्स यू, दे विल
एड्रेस और अरेस्ट द विटिएटेड ह्यूमर्स, आपको वात दोष को, वात को तो रोक देंगे वो, मगर वात वेग से आता है, आपका वेग मतलब आपका स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए आपको कुंभक करना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू रीगेन द फंडामेंटल फैक्टर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, देन कुंभक के अलावा कोई चारा है नहीं। जिसे हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं ना, why rehabilitation is needed when medicine can do everything? Because medicine cannot do everything. Rehabilitation is working upon the body, and kumbhak is more than rehabilitation. तो आपको अगर establish करना है तो kumbhak करना पड़ेगा. You can take support of Ayurvedic medicine. We also have दर्द है ना, तो हमारा तेल आप ले लीजिए, हाँ आप लगाते ही दर्द खत्म हो जाएगा। मगर हम आपको बोल रहे हैं कि आपका फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो, वो तो कुंभक से ही हो, सो आप लगा सकते हैं। यू कैन टेक, वी टेल यू टू डू मसाजेस। गट माइक्रोबायोम इस वक्त में खराब है सभी का, उसको एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। And there is a process through which this can be done. We have something called as Arishta. Ye Arishta aapke gut microbiome ko establish karta hai. This is very much needed. You must ensure that you do not have constipation. Constipation ka dhyan rakhiye. Wo bhi hum suggest kaise kaise kar sakte hain. There are a lot of ways in which it can be done. Purgation can be done in a lot of ways. वो भी हम आपको बताते हैं। यू कैन ऑलवेज टेक सपोर्ट और एडवाइस फ्रॉम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन। आप एलोपैथी को इतना बिजनेस देते हो, थोड़ा आयुर्वेद वाले बंदों का भी धंधा चला दो। वी विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ रिसर्च इन दैट एरिया। जब आप ही तो करते हैं ना, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आर द पावर ऑफ दिस वर्ल्ड एज एन इंडिविजुअल। आप जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे वही बढ़ेगा। आपने आपके घर में एलोपैथी देखी, आप ड्रग एडिक्ट हैं कि नहीं है? अरे शर्मा जी का बेटा ड्रग एडिक्ट नहीं है, आप अपने घर में देखिए, यू हैव लॉट ऑफ मेडिसिन, यू आर अ ड्रग एडिक्ट, और आपने इतना पैसा खर्च किया बचपन से लेके, इसीलिए वो और मेडिसिन बनाए जा रहे हैं। सो वेयर एवर यू पुट योर मनी दैट ग्रोज, ये लक्ष्मी का सिद्धांत है, बहुत सुंदर सिद्धांत है, मगर इसको समझना पड़ेगा हमको। वेर एवर यू पुट योर मनी एंड फोकस एंड इंटरेस्ट दैट ग्रोस। तो थोड़ा आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास में को भी कंसल्ट करें, पूछें उनसे। वी वांट टू डू लॉट ऑफ रिसर्च इन द एरिया ऑफ रसायन और रस औषधि, बिकॉज दे आर इमरजेंसी मेडिसिन फॉर द वर्ल्ड, emerging medicine which are very very potent, and it will not destroy humanity. Wo insaniyat insaan ke sharir ko khatam nahi karega. Of course we will come up with lot of effective things, because we choose product in a particular manner, hai na, usko istemal karke iska proof leke fir hum usko apne kitty mein dalne ki koshish kar rahe hain। पर कोई भी काम उसमें ऊपर ऊपर नीचे हमेशा आता है, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आप आगे बढ़ें। तो हमने एक कदम लिया है, कुंभक साइंसेस आर समथिंग विच वी नीड टू एस्टैब्लिश। इट विल वर्क इन एसोसिएशन विथ आयुर्वेदिक साइंसेस, या आयुर्वेदिक साइंसेस के साथ में करेगा, या आयुर्वेद को और इफेक्टिव बनाएगा। अगर आप सेम प्रोडक्ट कुंभक के साथ में लेते हैं तो आपको ज्यादा फायदा करता है बिना कुंभक के मुकाबले, बिकॉज योर अब्सॉर्प्शन, योर मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग इंक्रीजेस, योर द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। बट कुंभक इज प्राइमरी, इसलिए हम इसको पुश कर रहे हैं, आयुर्वेद को और भी लोग पुश कर रहे हैं। देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, बट कुंभक पे केवल हम काम कर रहे हैं, एंड वी नीड लॉट ऑफ सपोर्ट। We need people attending our program also, and then when they find relief, they come up and help and support us.
सभी मिलेंगे तभी तो कोई चीज स्टैब्लिश होगी, क्योंकि ये सबके लिए है, सभी के शरीर, शरीर केवल आपका ही नहीं है। दिस बॉडी इज नॉट योर्स, दिस बॉडी प्रोड्यूसेस अनदर बॉडी एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर बॉडी ऑल्सो। राइट, सो कितना टाइम हो गया? टाइम तो खत्म हो गया, बट इफ यू कैन पुट फ्यू क्वेश्चंस आई कैन टेक इट। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल है आपके मन में, आप पूछ सकते, यू कैन आस्क इन द ग्रुप। प्लीज एंगेज, एंगेज कीजिए। देखिए, आपको भी इंस्पायर, इंस्पिरेशन चाहिए कुंभक प्रैक्टिस करने के लिए। कोई भी नहीं करता रेगुलरली। If you will be inspired a little, then you will practice. But practice in such a manner where you enjoy the process. जिस चीज को आप enjoy करते हैं वो फायदा करता है, और जिस चीज को suffer करते हैं वो नुकसान करता है, है ना? You move your body, work, and you become tired. But you move your body and dance, and you become rejuvenated. तो ये कमाल का instrument है हमारा शरीर। Following two major surgeries 2010-20 for blood clot. Achha, blood clot also. I'll tell a little bit about blood clot. आपको मालूम है blood clot क्यों होता है? आपके body के अंदर इतना clot क्यों है? Today we are seeing this, a clot getting formed in the brain and stroke happens. Clot आपके शरीर के दूसरी जगह पे हो रहा है, infarction happen happening, टिश्यूज मर रहे हैं। ये क्लॉट क्यों हो रहा है? डू यू नो क्लॉट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी? क्या आपको मालूम है क्लॉट फॉर्मेशन या ब्लड का थिकनिंग ऑफ द ब्लड इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी? अगर आपको चोट लगी है और ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म हो तो चोट ठीक ही नहीं होगी। सो थिकनिंग ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। Now, why your body is creating a clot inside? So, I'll ask another question. Why are you creating so much of a risk inside that your body, to protect itself, has to create a clot? आप मुझे बताइए, आप अपने शरीर के अंदर रिस्क क्यों बना रहे हैं कि उसको क्लॉट बनाना पड़ रहा है? So there are many medications because of which clot gets formed. There, because of whatever you put in, there are internal injuries, and to protect it, the body has to form clot. So aap sharir ke andar risk bana rahe. So please ensure what you are taking in. If you are putting in a pill, you are always trying to create a risk, and at some point of time, trying to protect yourself, the body will create clot. तो chemicals कौन सा डालें बड़ा संभलना पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है 10 साल तक same chemical डालने के बाद आपको clot आ जाए, हो सकता है 20 साल तक कुछ नहीं दिखाई दे, body झेलता रहे और उसके बाद झेल नहीं पाए और clot form हो जाए। Who will ensure that? Who can take guarantee of that? Nobody. No WHO. No medical body. जब आपके साथ में कुछ हो जाएगा तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, और कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सो इफ यू इंक्रीज, वंस अगेन, इफ यू हैव रेजिलियंस, यानी आपकी झेलने की क्षमता ज्यादा है तो आपका बॉडी झेल जाएगा, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगा। झेलने की क्षमता कुंभक से बनेगा। कुंभक ब्रेथ होल्ड है, ब्रेथ होल्ड भी कुंभक है। आई एम नॉट सेइंग कुंभक इज जस्ट ब्रेथ होल्ड, आप ध्यान दीजिए, कुंभक भी ब्रेथ होल्ड भी कुंभक है, बट कुंभक इज द सपोर्ट विच यू टेक टू डू अ डायनामिक एक्शन, और योर बॉडी टेक्स सपोर्ट ऑफ दैट टू डू एनी एक्शन इज कुंभक। सो ब्रेथ होल्ड भी कुंभक है, मगर आप तेजी से ब्रीदिंग करें, देन ऑल्सो यू टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग इन द बॉडी टू डू दैट रैपिड ब्रीदिंग, दैट इज कुंभक। So if you say it is associated with prana or ye wo,
अगर कोई डिजीज नहीं है और स्टिल कंटिन्यू विद कुंभा, डू स्टिल कस्टमाइजेशन ऑफ एनी सॉर्ट, डू स्टिल नीड, यस यू नीड कस्टमाइजेशन ऑफ सम सॉर्ट. स्वतंत्रता चाहिए आपको, स्वतंत्र योर मैकेनिज्म, यू नीड योर मैकेनिज्म. नहीं चाहिए स्वतंत्रता? सो व्हाट इज कस्टमाइजेशन? स्वतंत्रता, स्वतंत्र योर मेथड. आई कांट टेक अ बाथ विथ कोल्ड वाटर सो आई एम नॉट, टेक बाथ विथ ल्यूकवॉर्म और बॉडी टेम्परेचर वाटर से ले सकते हैं, बट अप्लाई ऑयल, दैट विल हेल्प. नमनेस विल टेक टाइम बिकॉज न्यूरो रीजनरेशन चाहिए. न्यूरो रीजनरेशन के लिए एक तो आपको गट को ठीक करना होगा, मेटाबोलिज्म को ठीक करना ऑन ऑल द लेवल्स, स्पेसिफिकली ऑन द थर्ड लेवल, यानी धातु बल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना. तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, बट इट अल्टीमेटली इट विल हैपन. बट प्लीज एंश्योर दैट यू डू नॉट हैव कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आप कुंभक करेंगे ना, शरीर की मेटाबोलिक हीट बढ़ते ही कॉन्स्टिपेशन आता, and then you replace or resurrect your gut microbiota, वो जरूर करें. joint pain, please understand, अगर आपका शरीर गर्म होगा तभी pain आएगा, ठंडा होगा तो pain चला जाएगा. so constipation हटाओ, body को ठंडा कर लो, है ना. inflammation से pain होता है, और दूसरी टेढ़े मेढ़े से पेन नहीं होता, हड्डियां टूटे होने से पेन नहीं होता, पेन होता ही इन्फ्लेमेशन से. बॉडी ठंडा करने के लिए कुछ भी ले लो, महासुदर्शन घनवटी, कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए पुनर्नवादी काढ़ा रात में ले लो, कोई भी बॉडी, लीवर को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कुछ लीवर सपोर्ट ले लो, अरिष्ट ले लो, तो आपका पेन जाएगा जब इन्फ्लेमेशन जाएगा. कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको हम बताते ही हैं, हरित की रात में हरित की ले लीजिए, यू कैन टेक त्रिफला, यू कैन टेक सूक्ष्म त्रिफला, और क्या ले सकते हैं, ये सब गोल ले सकते हैं. खट्टी छाछ पी लो दोपहर में अच्छे से, तो भी कॉन्स्टिपेशन चला जाता है. यू कैन टेक कैस्टर ऑयल, टेक 1 tablespoon कैस्टर ऑयल बिफोर स्लीपिंग. एक और चीज है, प्रोडक्ट है इच्छा भेदी रस. अगर बहुत क्रॉनिक है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक और एक्यूट, मतलब मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, इच्छा भेदी रस ले लो. तो पुनर्नवादी काढ़ा, आई सेड पुनर्नवादी काढ़ा, वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर देगा. सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू विल हैव टू सी व्हाट सूट्स यू बेस्ट, बिकॉज देर आर स्ट्रॉन्गर वंस. अगर इच्छा वेदी रस बोलो तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, आप एक दिन ले लोगे पता नहीं कितने महीने की वो गंदगी निकाल देगा, बट देन यू फील अ लिटिल पेन, कॉन्स्टेंट पेन इन द स्टमक फॉर सम टाइम, फॉर फ्यू आवर्स, है ना. तो कभी कभी आप ले सकते हैं, बट पुनर्नवादी काढ़ा आप ले सकते हैं रेगुलरली, हरित की आप रेगुलरली ले सकते हैं, बीच बीच में कभी छोड़ दिया, 40 days, 1 month, बीच में 1 week gap, ऐसा करके छोड़ दीजिए. But then you can also do natural process of cooling, that will relieve constipation, like sheet curry, है ना, it will relieve constipation. You can also do dhauti, that will relieve constipation. You can also do, मतलब take a little support, आप enema करवा सकते हैं, or you can do shankh prakshalan. There is a shorter version of it, लघु शंख प्रक्षालन, उससे भी चला जाएगा. There are lots and lots of ways to do it. लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बताऊं, आप अपने को रिलैक्स रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा. आप अपने आप को स्टेबल और रिलैक्स नहीं रख पा रहे. There are processes called विपरीत करनी, the whole bunch of process, हजारों तरीके हैं विपरीत करने, दैट मीन्स आप पांव ऊपर सिर नीचे कर लीजिए, स्टे इन दैट पोजिशन फॉर 24 minutes rather, है ना, थोड़ा पांव ऊपर की ओर, टिल्टेड हेड डाउन, दिस इज लेग्स, लेग्स अप, हेड डाउन,
हाँ, दीवार पे पांव लगा लो, कमर के नीचे तकिया रख लो, ऐसा करके विपरीत करनी. देर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ विपरीत करनी. वेन यू डू रैपिड ब्रीदिंग इट इज ऑल्सो विपरीत करनी. कुछ बहुत ज्यादा अपने जो पसंद नहीं है वो चीज खा लो, दैट इज विपरीत करनी. कुछ ऐसा सोच लीजिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, वो दैट इज ऑल्सो विपरीत करनी. अपने दुश्मन से बात कर लो, वो भी विपरीत करनी है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा. थाउजेंड्स ऑफ वेज ऑफ विपरीत करनी. ठीक है ना? तो हमने तो ये पहले से ही एडजस्ट कर दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, दुश्मन ही ना बचे आपका. सोचो क्या साइंटिफिक, क्या साइंस है, क्या साइंस है. आपकी सारी प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर दिया. देर इज नथिंग विच आर एंसेस्टर्स हैव लेफ्ट टू एक्सप्लोर. ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने साइंस में छोड़ा है. एवरीथिंग they have explored, and that is why the greatest mind of 20th century, Mark Twain, said anything and everything that can be discovered by humanity has already been discovered in India. Mark Twain agar aisi baat kehta hai ki sab kuch discover yahan pe pehle hi ho chuka, to ya to wo pagal hai aur ya to wo bahut samajhdar hai. पागल आप उसको कह नहीं सकते, क्योंकि आप उसको फिर तमगा कैसे देते हैं, 20th सेंचुरी का सबसे तीक्ष्ण बुद्धि. इफ यू अवॉर्ड हिम द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ 20th सेंचुरी, तो पागल तो है नहीं वो. यानी वो इतना बुद्धिमान जरूर है कि वो समझ पाया कि क्या काम किया गया हमारे पूर्वजों द्वारा. ऑन दैट नोट, Let's work together. Let's help each other. Let's explore. Let's be a little swatantra. Let's help in creating the real science of swatantra. और इससे हमें फायदा ही नहीं होगा, हमारे आगे की जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. शायद हम में से कई लोगों की जिंदगी आधे से ज्यादा निकल चुकी है, लेकिन आप देके क्या जाएंगे, आप इस दुनिया को देके क्या जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल. तो हम में से बहुत लोगों को उस तरफ में काम करना चाहिए. आप जैसा, योर सजेशन इज ऑल्सो समथिंग दैट वी वॉन्ट, आपके सजेशंस भी चाहिए हमको. वी वॉन्ट टू स्टार्ट सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, वी वॉन्ट टू स्टार्ट लॉट ऑफ रिसर्च इन different areas of disease. जो कुंभक हम सिखाते हैं इसको हम बहुत refine करना चाहते हैं. For that we need support. Support in terms of what? Support in terms of time. When we will get time? हमको time कब मिलेगा? जब अपने survival से निकल पाएंगे. So as an organization, we are still struggling to survive. So if you promote the right kind of thing in the world, they will try to associate with the right kind of organization. हमारे साथ में जितने लोग associate होंगे, वो हमें help करेंगे. That we do, we are able to do research in various areas. क्योंकि आप जो इन्वेस्ट करते हैं उससे हम सर्वाइव भी करते हैं और उससे हम काम भी करते हैं. सो देर इज अ सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, रजस फाउंडेशन, वेयर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सेंटर्स वेयर वील गिव फ्री ट्रीटमेंट टू पीपल हु हैव लॉस्ट होप, जिनके जीवन में बिल्कुल निराशा आ चुकी है, उनके हेल्प करना चाहते हैं. It will be completely free of cost. We need support for that because it is not just our project. It should be everybody's project.
So we want to take people to a certain level of swatantrata, and then only we'll be able to at least say that we did something for humanity. जब तक हम humans को स्वतंत्र नहीं बना सके, तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे. The whole idea of business economy in the world today is making people paratantr to their idea. आप अपना आइडिया बेच के खाते हैं, है कि नहीं? यही इकोनॉमी का मूल सिद्धांत है, वेस्टर्न इकोनॉमी का. एक आइडिया बना के आप बेचते हैं उस आइडिया को, दूसरों को फंसाते हैं और उसका खाते हैं. तभी आप कोका कोला या पेप्सी बेच पाते हैं, isn't it? So making people slave is today's economy. Making people slave is today's science. Religion had killed millions of people. Science will kill billions of people. ऐसे परिपेक्ष में स्वतंत्रता की सबसे ज्यादा जरूरत है. And let's work together towards that. आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका आगे का जीवन बहुत सुखमय हो, इसी शुभ इच्छा के साथ में ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर जॉइनिंग अस. Thank you so much to all the participants for joining on the 75th Independence Day. I would request everybody, whatever questions you have, you can write in your respective groups and we will take it up from there. So here we close the session. Thank you and good night. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much.